तो आज है हमारे पास लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग 3। इसकी स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाती हैं AMD राइजन 5 4000 सीरीज़ का 4600H वाला वर्जन है ये हमारे पास आज, और 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले वाला है। इसमें 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले वाले भी आते हैं और इंटेल वर्जन्स भी आते हैं, तो तुम्हें जो पसंद है तुम अपनी चॉइस से ले सकते हो। प्लस इसमें हमें NVIDIA का GTX 1650 मिलता है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड, और साथ में हमें मिलती है रैम, वो है 8GB की, एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, और हमारे पास वेरियंट है 512GB SSD वाला। तुम चाहो तो एक HDD 1TB HDD प्लस 256 SSD का भी ले सकते हो कॉम्बो, लेकिन मुझे ये मिला तो मैंने ये ले लिया और मेरे को बढ़िया लगा तो मैंने ले लिया। और मैं पहले बता देता हूँ कि इस लैपटॉप को मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। आज इस लैपटॉप को मेरे पास आए 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं करने वाली। तो हमने सोचा कि थोड़ा दिखा देते हैं कि तुम्हें ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये कैसा वर्क करता है, ये क्या है क्या नहीं, गेमिंग टेस्ट, थर्मल्स, और हाँ राइजन 5 प्रोसेसर है, उसके साथ AMD रेडियन के ग्राफिक्स मिलते हैं। AMD लोगों को सबको पता है AMD रेडियन के ग्राफिक्स मिलते हैं, NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड है, GPU में इसमें क्या कहते हैं CPU में इसमें सॉरी AMD राइजन 5 में 6 कोर्स का प्रोसेसर है, और थ्रेड्स का मेरे को शायद आइडिया नहीं कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन गेमिंग टेस्ट मैं अभी करके दिखाऊंगा इसमें थोड़ी देर बाद। पहले मैं पूरा तुम्हें रिव्यू बता दूं, तो मैं इसके बाद का गेमिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसा रहता है उसमें, तो मैं अपने थर्मल से पता कि लग जाएंगे कि किस टाइप के हैं, उसमें FPS दिख जाएगा, रूम टेम्परेचर मैं तुम्हें बता दूंगा क्या है, और बस बढ़ते आगे वीडियो के। तो ये है मॉडल लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3। मैं पहले बता चुका हूँ इंटेल वगैरह के जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितने भी इस नाम के वेरिएंट्स हैं, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और 2 महीने पुराना लैपटॉप है, तो देख रहे हो तुम डेडिकेशन देख रहे हो पूरे कैसे प्यारे तरीके से हमने इसको बॉक्स किया है वापस, बॉक्स करके अब हम इनको अनबॉक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं तुम्हें कैसा है ये। तो बॉक्सिंग मैंने नीचे की साइड से करी थी इसकी अनबॉक्सिंग, तो असली अनबॉक्सिंग तो नहीं देखने वाली हम तुम्हें आज, नकली अनबॉक्सिंग देख लो और काम चल लो कोई बात नहीं। देख रहे हो इस वीडियो में भी हमारा यही माइक काम आ रहा है बोया। ओके तो ये ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है अंदर से, कंपनी ने भाई फोम की तो कोई कमी नहीं छोड़ी है इसमें, हर जगह पे फोम दे रखी है, लैपटॉप तो पूरा फोम से ही कवर कर रखा है। लाइट है हाँ देखो चारों तरफ फोम है, यहाँ फोम साइड में फोम, यहाँ फोम साइड में फोम, तो फोम हटाते हैं और लैपटॉप को देखते हैं ये लैपटॉप दिखने में कैसा है। तो फटाफट से फेंकते हैं सारा सामान साइड में और लैपटॉप देखने के बाद वैसे तो ये पहले कर देना चाहिए, चलो कोई बात, एक बार के लिए लैपटॉप को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर होता है। अब हमें मिलती है पावर कॉर्ड और बाकी यूज़र मैनुअल वगैरह में गुम कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है और उनकी हमें ज़रूरत नहीं आती। और आइडिया वर्ड गेमिंग मैंने वाओ यहाँ स्पेसिफिकेशन की दे रखी है, कहाँ भाई यहाँ दे रखी है, तो वो मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमें पावर कॉर्ड मिलती है, पावर है ये 135 वाट्स का। सॉरी फटाफट से लैपटॉप को देखते हैं कैसा है। तो देखो लैपटॉप की फर्स्ट लुक सामने से ऐसी है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है, प्लास्टिक बिल्ड लैपटॉप है, कहीं से ऊपर से नीचे कहीं तक भी तुम्हें मेटल का नहीं मिलेगा, पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन प्लास्टिक है पर हाई क्वालिटी का, बहुत बढ़िया। और ये नहीं कि मेरा है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं और भी लैपटॉप की रिव्यू जाऊँगा ना तो बता दूंगा कि ये किस टाइप का है। तो सबसे पहले तो इसकी ओवर लुक देख लेते हैं, यहाँ हमें बिल्कुल प्लेन मिलता है ये, और साइड में एक लेनोवो की बैजिंग दे रखी है तुम्हें दिख रही होगी बिल्कुल कोने में, बाकी पूरा लैपटॉप प्लेन है। और कंपनी इसे इस कलर को नाम को कहती है ओनिक्स ब्लैक, हमारे नॉर्मल में जो तुम ब्लैक ही है। तो बात कर लेते हैं हाँ इसके साथ में तुम्हें एक और चीज़ बताने बोलिया कि जो 8GB की रैम है वो 16GB तक अपग्रेड हो सकती है, और बाकी एक्सपेंडेबल की बात करें तो जो अपनी HDD का कनेक्टर मिल जाता है हमें इसके साथ, वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वाला,
तो ये कनेक्टर तुम्हें मिल जाता है। और वैसे मेरे हिसाब से ये कंपनी को अंदर ही दे देना चाहिए था, बंदा बाहर कनेक्टर लेके क्या क्या घूमे, जो भी समझ रहे हो ना। पहली वीडियो तो थोड़ी सी हो रहा है, ठीक है। और बात करते हैं इसके लिड फ्लेक्स की, तो हाँ भाई फ्लेक्स तो है, प्लास्टिक बिल्ड है तो फ्लेक्स तो हो गई। और अब करते हैं ओपन लैपटॉप। कीबोर्ड फ्लेक्स तो नहीं है बिल्कुल, ना के बराबर नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, कीबोर्ड में कोई फ्लेक्स नहीं है। लैपटॉप हो गया है अपना ऑन। और अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट लुक की सामने से, तो यहाँ तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाता है एक एनवीडिया का G4 GTX का स्टिकर, राइजन 5 का 4000 सीरीज का स्टिकर दे रखा है, और एक AMD Radeon ग्राफिक्स का स्टिकर दे रखा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे लिखा होता है IdeaPad Gaming 3 गेम रेडी, FHD IPS डिस्प्ले, हाई परफॉर्मेंस थर्मल्स, और एक QR कोड दिखा हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है E-Support। E-Support का मतलब ऐसे है कि अगर तुम्हारे लैपटॉप में कोई भी दिक्कत है, कि तुम्हें कोई भी चीज़ पूछनी है, मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या है, वैसे तो ये देने का कोई मतलब नहीं है, अच्छी बात है दे रखा है तो बहुत बढ़िया। तो इसमें ऐसे है कि अगर तुम्हारे लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आ जाती है कल को, तो तुम इस कोड को स्कैन करके Lenovo की हेल्पलाइन वाली वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और कंप्लेंट। यहाँ में मिल जाती है एक IdeaPad Gaming की लोगो, साइड में हमें एक Lenovo का लोगो मिल जाता है। और कीबोर्ड में अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में मिलती है हमें सिंगल की बैकलाइट ब्लू कलर की, जिसके अंदर ब्राइटनेस के दो लेवल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दो लेवल ब्राइटनेस की है, लेकिन फर्स्ट लेवल पे कोई नहीं चलाता, हम जैसे लोग तो दो लेवल पे ही चलाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके, लिड ओपन होते ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है लैपटॉप, तो मैं यहाँ पे एक पावर बटन दे रखा है, तो इसकी कोई नीड लगती नहीं मेरे को, क्योंकि लिड ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। बट हाँ, वो फीचर तुम इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डला होता है Lenovo अपने आप से देता है, Lenovo Vantage नाम से, उसके अंदर जाके तुम लैपटॉप की चेक कर सकते हो कि CPU कैसा परफॉर्म कर रहा है, GPU कैसा कर रहा है, बैटरी हेल्थ कैसी है, क्या है क्या नहीं, तो उसी के अंदर दे रखा है कि ऑटोमेटिकली अगर तुम ऑन नहीं करना चाहते लिड ओपन होते ही, तो उस फीचर को तुम ऑफ कर दो, फिर जब तुम भी लिड ओपन करोगे तो नॉर्मल लैपटॉप में जैसे पावर बटन दबा के ऑन होता है तो वैसे ही ऑन होगा। ये बात है मोटा मोटी। अब बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है FHD IPS डिस्प्ले, तो यानी फुल HD IPS का डिस्प्ले मिल जाता है इसके अंदर जो है 1080 पिक्सल्स का। और साथ में डिस्प्ले एक्यूरेसी, कलर एक्यूरेसी सॉरी, तो वो मैं कुछ इतना मतलब कि पता तो नहीं चलता, लेकिन अगर तुम साइड में कोई और लैपटॉप रखोगे तो तुम्हें पता लगेगा, मतलब ऐसे है कि लैपटॉप है बढ़िया लेकिन डिस्प्ले मतलब बढ़िया है, बट अगर तुम्हें बिल्कुल कलर एक्यूरेसी वाला काम चाहिए, मतलब ये है तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो तुम्हारा काम ही ऐसा है जो डिस्प्ले पे पूरे डिपेंड होते हैं कि ये कलर है तो यही कलर देना है टीम को आगे, तो फिर 1-1.5 लाख वाले लैपटॉप पे जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वीडियो बंद करो भाग जाओ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम आगे, IPS डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में हमें मिलता है एक, इसमें क्या लिखा है, गेम रेडी, यानी गेमिंग लैपटॉप है तो फिर प्रोसेसर और GPU में बता चुका हूँ। साथ में मिल जाता है कि सामने एक वेबकैम लगा हुआ है, वही बेसिक सा 720p का वेबकैम है ये, और ध्यान से तुम देखोगे तो ऊपर इसके एक प्राइवेसी शटर दे रखा है। प्राइवेसी शटर का ऐसे है कि कई बार ना लैपटॉप हैक हो जाते हैं, और लैपटॉप हैक होने के बाद वेबकैम भी हैक हो जाते हैं, और वेबकैम में हैक हो गया तो तुम्हारा मान लो लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो, गंदी सोच नहीं, कुछ भी काम कर रहे हो या लैपटॉप तुम चला रहे हो, लैपटॉप हैक हो गया, तो जो हैक कर रहा है वो तुम्हें देख सकते हैं इजीली, इसलिए जब तुम वेबकैम यूज़ नहीं कर रहे तो वेबकैम को शटर लगा दियो, ठीक है। और साइड में तुम्हें एक चिप दिख रही होगी, चिप कहते हैं स्लिप दिख रही होगी, ये वेबकैम के ऊपर लगी हुई थी, तो वेबकैम के ऊपर से मैंने हटा के यहाँ लगा दी। इसमें भी यही मतलब कि प्रोसीजर दे रखा है कि ऐसे हम प्राइवेसी शटर को लगा सकते हो और हटा सकते हो, इस साइड करोगे तो हट जाएगा, इस साइड करोगे तो लग जाएगा। आगे बात करते हैं लैपटॉप के ऊपर दे रखी है Lenovo की बैजिंग, यहाँ पे भी बात करते हैं वेंट्स की, तो वेंट्स ऐसा है कि दो वेंट यहाँ दिए हुए हैं, एयर इनटेक के वेंट्स यहाँ पे हैं, एक एग्जॉस्ट यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे IdeaPad Gaming का लोगो दे रखा है, बट तुम स्क्रीन ओपन जब करते हो तो यहाँ तुम्हें एक दो वो मिल जाते हैं वेंट्स, वो एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, एक यहाँ दे रखे और एक यहाँ दे रखा है, ये दो एग्जॉस्ट दे रखे। तो उसके बाद बात करते हैं हम, बस और से कुछ नहीं, हाँ जब तुम बाय करोगे इस लैपटॉप को तो उसमें लिखा हुआ है विंडोज 10 का OS प्री इंस्टॉल्ड है इसमें, लेकिन जब मैंने लिया था ये, मैंने 2 महीने पहले जैसे तुम्हें बताया मैंने लिया था, तो 2 महीने पहले उसमें मुझे विंडोज 10 मिली थी, बट इसमें फ्री अपग्रेड है विंडोज 11 का, मोस्टली हर लैपटॉप में आ ही रहा है आजकल फ्री अपग्रेड है, और मैं विंडोज 11 ही यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके बैटरी की, बैटरी से हमें जो पावर अडैप्टर मिलता है वो ऐसा कुछ है, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें निकाल के,
तो पावर अडेप्टर तो कुछ इस हिसाब का है दिखने में, साथ में वही अपनी नॉर्मल सी ये केबल लग जाती है। और ये 135 वॉट्स का अडेप्टर है, प्लस इसकी जो बैटरी है वो 45 वॉट आर की बैटरी है। तो 45 वॉट आर की बैटरी के हिसाब से अगर मैंने इसका जो बैटरी टेस्ट किया, मतलब बैटरी टेस्ट तो क्या, यूज़ करके देखा लैपटॉप को, तो भाई यूट्यूब वीडियोस देखी, सीरीज़ देखी या कुछ भी, मतलब मैंने नॉर्मल वर्क किया तो आराम से 5 से 5.5 घंटे में तो आराम से दे ही आई है। तो आई वॉज शॉक्ड फॉर दिस लैपटॉप कि हाँ भी 45 वॉट आर की बैटरी में मुझे इतना ज़्यादा बैकअप मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर गेमिंग के हिसाब से तुम देखो तो गेमिंग में मैं, मतलब मान लो तुम्हें एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देते GTA 5 वगैरह में तुम्हें बता दूँ, तो ये गेमिंग में बैटरी बैकअप बिना अगर तुम चार्जिंग कनेक्ट करे दोगे तो वो अराउंड पड़ेगी तुम्हें 30 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं। 45 मिनट्स से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक लैपटॉप के लिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स के लिए तो भाई कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, एक कमी को छोड़ के, वो कमी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। पहले देख लो पोर्ट्स क्या क्या है। यह पावर अडेप्टर का वो चार्जर की जो पोर्ट होता है वो है, चार्जर इसका बहुत अलग सी पिन है इसकी, मतलब और लैपटॉप्स की जैसे गोल सी है इसकी अलग है, इसके थोड़ी थोड़ी USB टाइप की है लेकिन अलग है काफ़ी अंदर से, ठीक है। यह आ जाती है अपनी पावर की, फिर आ जाती है लैन केबल की, वो आ जाता है पोर्ट हमारा, फिर आता है HDMI 2.0 का पोर्ट। कहता हूँ मैं HDMI जो पोर्ट है वो तुम्हारे ऑन बोर्ड GPU से कनेक्ट, क्या कहते हैं, जो डिस्प्ले होती है तुम्हारी वो ऑन बोर्ड GPU से कनेक्टेड होती है, मतलब कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से कनेक्टेड होती है। बट अगर तुम एक एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाओगे तो फिर तुम्हारे जो HDMI में अगर तुम लगाते हो तो एक्सटर्नल डिस्प्ले में तुम्हें ज़्यादा FPS देखने को मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे ही, क्योंकि जो HDMI ये वाली होती है ये कनेक्ट होती है अपने ग्राफिक्स कार्ड पे, और जो स्क्रीन होती है हमारी, जो ये डिस्प्ले है वो कनेक्ट होती है हमारी उसमें, क्या कहते हैं, CPU में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी, सॉरी ऑनबोर्ड GPU पे कनेक्टेड होती है, सॉरी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे डिस्प्ले होती है, और HDMI अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो ग्राफिक्स कार्ड से होती है, तो FPS ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाता है USB 3.2 का पोर्ट टाइप ए, फिर आता है USB 3.2 का टाइप सी पोर्ट, और फिर आता है कॉम्बिनेशन पोर्ट जो कि माइक और हेडफोन का कॉम्बो है, वो वाला पोर्ट दे रखा है। लेकिन अगर तुम्हें वो कॉम्बो अलग अलग यूज़ कर रहा है, मतलब जैसे स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ तो उसमें एक वो कनेक्टर की ज़रूरत होती है, वो मैं दिखाता हूँ कनेक्टर कौन सा, ये वो कनेक्टर होता है इसमें, मतलब कि ये एक जगह पे लगा दो और फिर यहाँ पे एक एक साइड हेडफोन्स लग जाते हैं और एक साइड माइक लग जाता है, तो ये चीज़ होती है, ये कनेक्टर का काम होता है। तो कॉम्बो है तो फिर ये यूज़ करना पड़ता है। अगर तुम्हारे दो पोर्ट दे रखे तुम्हारे लैपटॉप में तो बहुत बढ़िया, तो तुम स्ट्रीमिंग बहुत ईजीली कर सकते हो, वरना ये ख़रीद लेना, 50 रुपये का आता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद राइट साइड में अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो यहाँ तुम्हें एक एग्जॉस्ट मिल जाता है और एक तुम्हें USB 3.2 का टाइप ए पोर्ट मिल जाता है दोबारा से, ठीक है। ये हो गई हमारे पोर्ट्स की बात। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें कमी क्या थी पोर्ट्स में। एक कमी है जो सबको महसूस नहीं होगी लेकिन कुछ कुछ को हो सकते हैं, एक SD कार्ड रीडर का पोर्ट होता है वो नहीं दे रखा है इसमें। तुम्हें अगर वो यूज़ करना है तो तुम्हें कार्ड रीडर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बट मेरे हिसाब से देना चाहिए था, कोई बात नहीं दिया तो क्या हो गया, 50 रुपये का वो भी खरीद लेंगे, अगर 60-70 हज़ार का लैपटॉप ले रहे हैं तो 50-60 रुपये की वो चीज़ भी खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, कंपनी भी तो कंट्रोल। तो अब बात करते हैं हम इसके गेमिंग टेस्ट की। तो गेमिंग टेस्ट में तुम्हें दिखा देता हूँ, उसमें तुम्हें परफॉर्मेंस और थर्मल्स दोनों पता लग जाएंगे, FPS तुम देख लेना कितने का रहे हैं।
हाँ तो भाई अब बात आ जाती है कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम्हारा बजट है अराउंड 60-70 या 50-60 भी है तो तुम इस पे मार सकते हो नज़र। मतलब मैंने जब लिया था तो मुझे 65 का पड़ा था, लेकिन आज की डेट में इसका रेट जो चल रहा है, मतलब कि अभी जो रेट चल रहा है वो अराउंड 62-63 चल रहा है, सॉरी। हाँ, लेकिन जब भी तुम ये वीडियो देखोगे, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा मैं, इसमें जो भी वेरिएंट्स आते हैं, जैसे ये 120 हर्ट्ज़ का 60 हर्ट्ज़ का पैनल भी तुम्हें मिल जाएगा, उसका मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। या इंटेल वाले जितने मॉडल है मैं सारे लिंक दे दूंगा, तो कोई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, ठीक है। तो बस ये कुछ सीन है, लैपटॉप का लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर रिव्यूज़ तो यूट्यूब पे बड़े पड़े हैं, और जाओ और देखो, ठीक है। यही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, नेक्स्ट ब्लॉग में। एक ही चैनल में सब कुछ करे जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।